सतनाम जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माना, प्रतख गुरु निस्तारे। जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। हर गुर पूरा राधिया दरगह सच खरे। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहो। जिस पास बैठिया सो ही आए सबना दा वेसाहो। जुगो जुग अटल सतगुरु। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच गुरद्वारा संत खालसा विखे आप संगतां ने तुरकी बाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। सतगुरु जी दी बख्शिश होई है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तों, जो रागी जत्थे लाइव कीर्तन करते ने। आपने कई बार भाई नरपै सिंह जी दे जत्थे तो भी कीर्तन सुनिया होवेगा। सतगुरु ने बख्शिश कीती है अज संगतां दे रूबरू होके सतगुरु दी दर हजूरी विच भाई साहब दे जत्थे ने कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल कीता है। बहुत धन्नवाद है रागी जत्थे दा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। सतगुरु दी बाणी दा कीर्तन बहुत ही कीमती है। कीर्तन निर्मोलक हीरा। हजूर फरमाउंदे ने किस दा नाम ही की रतन, रतन इहदे बराबर की हन। गुरु की बाणी दा मनोहर कीर्तन सरवण कीता है। सतगुरु जी ने बख्शिशां कीतियां। आओ सारी संगत एक बारी फिर सुचेत चित, सारियां संगतां ने गज के फतेह बुलाउणी आ। जिहड़ियां संगतां ने प्रसाद पाणी नहीं छकिया सी उह छक के आ जाणगियां। भाई जल पाणी चाह पाणी छकना उह वी छक सकदे आ, क्योंकि श्री हरिमंदर साहब जी दे सिंह साहब ज्ञानी हरिमंदर सिंह जी, गुरमिंदर सिंह जी वो पहुंचने वाले ने। उन्होंने आप संगतां नूं कथा सुनाउणी है, विचारां सुनाउणियां हन। उन्नी देर तक आओ, सतगुरु पातशाह जी ने जो बख्शियां कीतियां उहदी आपां विचार करनी है। सब तो पहला सतगुरु जी दी फतेह। सारी संगत गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चिम चिम वरसै अमृत धारा, जिवें सिम सिम के बरसात हुंदी है ना, गुरु की बाणी दा इह कीर्तन है। भाई सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है। सतगुरु जी ने बाणी विच समें दी वंड भी कीती है। दिन ते सर पर पौसी रात, रहण गई फिर होए प्रभात। सतगुरु जी ने दिन रहण बाणी उचारण कीती है, जिहदे विच रात अते दिन दा जिक्र कीता है सतगुरु जी ने। फिर विश्वयां तो लैके पहर, घड़ियां, पाल सतगुरु जी ने सफले कीते ने। ते फिर दिनां दे विच सतगुरु पातशाह जी ने वार सत बाणी रची है।
कि सत दिन किहड़े हन, सतगुरु जी ने वह भी सफले किते। आदित्यवार भगत कर आरंभ, सतगुरु पातशाह जी ने ऐतवार तो लैके सोमवार सच अमृत चराए, मंगलवार ले माहीत, ये तद सतगुरु ने सत्तां ही वारां दा सत्तां दिनां दा भी जिक्र किया। फिर इहदे तों बाद 15 थित्तां ने ते उत्थे सतगुरु जी ने थित्ती गौड़ी बाणी उचार के थित्तां दा भी जिक्र किया कि समा बदलदा किवें है, समा बनदा किवें है। ते उहदे तों बाद सतगुरु जी ने महीनियां दा जिक्र किया। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने भी, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने भी इको सिद्धांत दे विच एक ही महीने तो बाणी आरंभ करके 12 महीनों का जिक्र किया गुरबाणी विच, जिसनों असी संगरांत गुरबाणी पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, कथा विचार सुनते हाँ कि साडा ये महीना सफला होवे। सतगुरु जी ने यह बाणी उचारन तो पहला गुरबाणी की विचारधारा नाल जोड़न वास्ते उपदेश बख्शिश किया है, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। कि सतगुरु जी जिहड़े असीं किरत कर्म किए ने, किरतम कर्म किए ने, उन्हां करके असीं आप जी तो विछड़ गए हाँ, आत्मा दा परमात्मा नालों पंध पै गया, विछोड़ा पै गया, दूरी बन गई। तो इहदा कोई होर कोई साधन नहीं, केवल आप ही साधन हो। जे आप जी की कृपा होवे तो फिर उस प्रभु परमात्मा दा मिलाप हो सकता है। इस करके इस महाराज साडे कर्म साडी किरत ना विचारदे होए अपनी कृपा दृष्टि धार के महाराज फिर सानू मेल लो, आप जी नाल सानू भेद कर लो, असी आप जी की विचारधारा विच जुड़ जाइए, आप जी की सिक्खी विच जुड़ जाइए। तो सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया कि जदों तुखारी राज की बाणी पढ़ते हाँ उत्थे भी महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी ने तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर दुख सुहमा दे स तू भला। सतगुरु जी उत्थे भी यही वचन उचारदे ने, तू सुन किरत करमा, हे मना तू सुन के आपदे किरत दे करमा करके परमात्मा नालों विछड़िया होया है। ते धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी भी यही फरमा रहे ने, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंट दह दस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। महाराज सच्चे पातशाह जी चार ही दिशावां दे विच असी जीव ने घूम के वेख लिया, यात्रा कर ली, किते टिकाणा नहीं, इसलिए हुण आप जी की शरण विच आए हाँ, आप जी के दर ते आए हाँ, क्योंकि ये दर सब तो वड्डा है। इहदे इन्ना वड्डा दर कोई होर है ही नहीं। अत उचा ताका दरबारा, अंत नहीं किस पारा वारा। महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का दरबार, आप जी का दर सब तो वड्डा है। इस करके तेरे दर की वडियाई कही भी नहीं जा सकती, वडेकियां वडियाइयां किस कहना कहन ना जाए, नहीं किया जा सकता कुछ कि तू किड्डा क वड्डा है। किवें दस दांगे भाई, जिहदे बराबर कोई होर होवे तां ही हजूर जी फरमाउंदे ने बाणी विच, जे कोई दूसरा होवे तेरे बराबर तां तुलना दित्ती जा सकदी है, एग्जाम्पल दित्ती जा सकदी आ,
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤ੍ਰਾਵਿ ਦੀ ਸਾਥ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੀ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਣ ਧਾਰ, ਆਨ ਵੀ ਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹੀ ਸ਼ਮਤ ਸੰਮਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100-100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਈਸਵੀ ਦੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਸਾਹੀ ਸੰਮਤ 'ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਈਏ ਭਾਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 11 ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੌਣੇ 11, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਨੂੰ 12:05 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਧੀਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ,
इनू मनाने वास्ते गुरद्वारा साहब आने, क्योंकि किसी समय की मुहूर्त लैन वास्ते कढ़ने वास्ते चंगी थावां लभिया जांदियां, शुभ कर्म करने वास्ते चंगे थान लभे जांदे आ, चंगे चंगे तीर्थ स्थान लभे जांदे आ, धार्मिक स्थान लभे जांदे आ, पर यह साडी खुशकिस्मती है, साडे चंगे भागां दी निशानी है गुरु के सिखां दी कि असी नवे साल की रबता धन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में गुरद्वारा साहब बैठ के नवे साल की रबता करांगे, अरदास करांगे कि महाराज सच्चे पातशाह जी ये साल साडे लिए खुशियां भरिया होवे, खेड़िया भरिया होवे, असी इस साल के परोपकारी हो निबड़िए, महाराज इस साल के तेरे दर तो शक्ति लैके वध बाणी पढ़िए, वध गुरसिखी का प्रचार करिए, वध गुर संगतां नूं गुरबाणी नाल जोड़िए, ये सारिया शक्तियां गुरबाणी विचों मिलदी। इस वास्ते जदों असीं ये अरदास करांगे महाराज कि साल की आरंभता का काम कित्थों शुरू करिए, तां कीता लोड़िया काम सुहार पै आखी है सतगुरु दे दर ते आपां ये आखांगे कहांगे काम कि महाराज सच्चे पातशाह जी इस नवे साल की आरंभता आप जी के दर तो कर लगे, तो आप जी रहमत करके जिथे महाराज ने जिहड़े घर विच जिहड़े शरीर विच महाराज ने कृपा करनी है उत्थे महाराज गुरसिखी बख्श दो, गुरसिखी सत्संग जिहड़े घर विच गुरसिखी चली गई उत्थे गुरबाणी चली गई, कि उत्थे हर अमृत वेले उठन वाला जीव सतनाम वाहिगुरु कह के उठेगा, वाहिगुरु का सिमरन करेगा, नितनेम पढ़ेगा, सुखमनी साहब पढ़ेगा, तो सारे घर का वातावरण बदल जाएगा, सारा घर सुखी बस जाएगा, क्योंकि जो असं गुरबाणी ने जुड़ेंगे गुरु साहब की बख्शिश से खुशियां मिली ना, तो फिर महाराज ने सानू इस पासे जोड़ लेना, तो गुरबाणी की शक्ति इन्नी है क्योंकि जी साड़ी आत्मा ना वो परमात्मा की अंश है, वो परमात्मा की उपज है, इस करके जो असी परमात्मा का नाम जपांगे ना इनू सुख मिलता, सुख तो जो सुख मिलता है सब तो पहला की होंगे मनुख, असी गर्मी चो आईए तो ए सी वाले कमरे च बह जाइए की होगा, नींद आऊगी, सब तो पहला नींद आई। हरिमंदर साहब के सिंह साहब जी ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी पहुंच चुके ने, सारिया संगत गज के जकारा लाओ बोले सोनिहार, साध संगत जी सब तो पहला सुख दे विच की हुंदा है नींद आउंदी है, सुकून मिलता शरीर नूं मन नूं, ते फिर वो आराम विच रह जांदा, ते जदों असीं गुरबाणी पढ़ते हैं तो सब तो पहला की होगा साडे मन नूं शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो नींद आएगी, तो आप इस चीज का अलाभा देने इतराज करते हैं भी जो गुरबाणी पढ़ते हैं जी उदों नींद आती है, ये तो थोड़ा जिहा अगे लंघना हो शरीर की वस्तु, कि आप मन नूं जोड़ना है गुरबाणी नाल, गुरबाणी का प्रभाव प्रकाश लैके जाना मन दे विच, इस वास्ते थोड़ी जी सुचेतता लैनी पवे, शरीर नूं आराम भी मिले, क्योंकि जो असीं पढ़ांगे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जीओ, जो मन भी शीतल होगा शरीर की जलन बुझेगी तो फिर आनंद भी तो जाएगा ही ना,
इस वास्ते ये आनंद ये खुशियां ये खेड़े इस दर तो ही मिल सकते ने, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी का हुक्म है कि भाई जे तुसी नाम का वणज करना है ना, नाम का वणज जे किसी ने हीरिया का वणज करना है तो वह पंसारी की दुकान तो नहीं लै सकते, वो करियाने की दुकान तो नहीं लै सकते, वो फल फ्रूट वाली दुकान तो नहीं लै सकते, उन्होंने जौहरी की दुकान पर जाना पड़ेगा, ता ही रिवल ने गया। हर तरह के वक्रे वक्रे दुनिया में बाजार ने, कि आ कपड़े का बाजार है, आ सोने का बाजार है, आ मोटर गड्डिया का बाजार है, वक्रे वक्रे बाजार उतों ही वस्तुआं मिल जांदियां। ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक हट खोलिया नाम का हट, वह उतों ही मिलना है। महाराज ने परिपक्ता नाल कहता भाई होर किसी थान तो होर किसी जगह तो होर किसी तरीके नाल तुहानू नाम प्राप्त नहीं होना, एको एक हट खोलिया धन गुरु नानक साहब जी ने, तो उस हट ते तुसी बैठे हो पहुंचे हुए हो। महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने सतसंगति संग हर धन फटी है, होर थै होर पाए हर धन कितने ना पाई, कहिंदे भाई होर कोई थां ही है नहीं। जे परमात्मा दे नाम दा धन प्राप्त करना है तो फिर सतसंगत विचों ही प्राप्त हो। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो साध संगत अज जे धन गुरु नानक साहब के नाम से नानकसाई शब्द बनया ना, तो इस संबत के मुताबक नवे साल की रमता कर जा रहे हैं, जिथे श्री हरिमंदर साहब जी के रागी, जिथे हरिमंदर साहब जी के सिंह साहबान, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया ते पहुंचे हुए नाम रसीए महापुरखों का जन्म स्थान, साध संगत जी ये चीज़ा कट्ठियां मिल जाए तो एदो वे भागी हो गए भाई, कितने गुरु साहब ने बख्शिश की है। इस करके दास सारिया संगतों को इस गल की बधाई दिता कि असी नवे साल की रमता शुभ थान तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों चो कर रहे हैं, तो शुभ आत्मावान के मुख तो ये वचन सुनेंगे, गुरबाणी का श्री मुख वाक सुनेंगे, चेत गोबिंद राधिया होवै आनंद धना। बहुत ही आनंद देने वाला चेत का महीना सतसंग जी, थोड़े समय बाद आप सिंह साहब जी के विख्यान तो बाद उन्होंने प्रवचनों तो बाद आप रागी जत्थे तो भी सुनेंगे तो नाल नाल सारे पढ़ांगे आनंद लवेंगे। सो मैं आप जी का बहुत समा ना लवान, सिंह साहब जी पहुँच चुके ने, उन्होंने पासों आप गुरबाणी विचार सुन के लाहा प्राप्त करना। जिहड़ियां संगतां हाले बाहर ने गल बनी सकदियां ते घरां विच भी है, मैं बेनती करा कि सौना ते रोज ही है, सारा साल ही आपां हर रोज ही सौंदे आ, इत्थों जाके बाद च भी सौना ही है, पर आनंद नहीं लभ सकदा मुड़ के, ये समां जदों बीतेगा साढ़े बारह तो बाद असीं जी सोचिए कि उही साढ़े ग्यारह वाला सानू समां मिल जाए, नहीं मिलना। इस वास्ते जिथों तक आवाज आती है सारिया संगत आओ कि आप नवे साल की रंभता गुरु तक तो करा तो सतगुरु दिया बख्शिशा हो भाई। वैसे तो सतगुरु पातशाह जी ने ऐसा बख्शिशा गुरसिख से कीतिया है कि ठंडे का अमृत दे के अपना रूप बना लिया, गुरबाणी दे के निहाल कर दिता, चारे पदार्थ भी बख्श दते। तो सार संगत जे गुरु का सिख इन्हों बख्शिशा याद करके मन की मन की प्रसन्नता लैके इस गल नूं विचार लवे कि सानू ते महाराज ने हर पक्षों मान लो माल किया हो, असीं गुरु का दर क्यों छड़िए, गुरु के दर तो ही असीं नवां साल आरंभ करिए तो महाराज दीआं होर भी बख्शिशां होर भी सिमरन होर भी नितनेम वधेगा, होर भी खुशियां ते खेड़े वधणगे। ये सारियां बख्शिशां लैण वास्ते सतगुरु के दर ते भाई जिहड़े हले तक नहीं पहुंचे वह भी पहुंचो। मैं हम बेनती करांगा कि सिंह साहब जिन्होंने तुसी बहुत बारी लाइव मंजी साहब तो या बंगला साहब तो या होर सत्संग के दीवाना विचों सुनते रहते, पर जो सामने बैठ के सुनीए ना
ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।